हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये 5 रुपए का सिक्का जो 2016 में रिलीज़ किया गया था सर्कुलेशन में। जैसे कि आप देख सकते हो, इस पे लिखा गया है बेगम अख्तर की जन शताब्दी, बर्थ सेंटेनरी ऑफ बेगम अख्तर 1914 टू 2014। एक नॉर्मल 5 रुपए का सिक्का है, जैसे आप देख सकते हो कि ऊपर निकल मेटल है, बट इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही कम सर्कुलेशन में पाया जा रहा है। और ये सिक्का मैंने खुद 50 रुपया देकर एक डीलर से ख़रीदा हुआ है। तो 5 रुपये का सिक्का 50 रुपये में अगर बिकता है तो इसका मतलब है सीधा 10 गुना नफ़ा उस डीलर को मिल रहा है। इनफैक्ट ईबे पे अगर आप देखोगे तो ये सिक्का अराउंड 100 रुपीज़ में बिक रहा है। तो यदि आपको ये सिक्का मिलता है आपकी डेली चेंज में तो उसको अलग रखिएगा, और जितने भी मिलते हो उनको अलग अलग से अपने पास ही रखिएगा। डेफिनेटली इसकी वैल्यू आगे जाके और भी बढ़ सकती है। और एक ऐसा ही सिक्का है जो काफ़ी रेयर है, वो है JRD टाटा। जब उनका भी सिक्का 5 रुपए का ही सिक्का है वो, और वो अभी मेरे पास नहीं है, बट वो अभी काफ़ी रेयर है। तो ये दोनों सिक्के जो है, बेगम अख्तर और JRD टाटा, इन ये अगर आपको मिलते हैं तो अलग से रखिएगा। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम में भी आपके पास काफ़ी सारे सिक्के जम गए हो, जैसे मान लो आपके पास 100 सिक्के जम गए हो बेगम अख्तर के, तो आप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी डीलर को अप्रोच कर सकते हो और एक अच्छी कीमत उनसे अदा कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 500, अगर 500 मतलब 500 रुपये के ये सिक्के आपको 50,000 देंगे, नहीं, कभी नहीं, बट डेफिनेटली आपको एक अच्छी कीमत मिल सकेगी। अगर कोई भी डाउट्स रहे या कुछ भी प्रश्न रहेगा तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। ये का वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।